आपके साथ। प्रेम प्रसंग की बलि चढ़ा पति, पत्नी के आशिक ने कर दी हत्या और लटका दिया फंदे पर। मामला पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र के तारानगर का है, जहां विनोद महतो का शव उनके ही घर के बरामदे में लटका हुआ मिला और इस हत्या का आरोप लगा है पड़ोस के ही विजय महतो पर। दरअसल विजय और मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग सालों पहले था, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने उसे छोड़कर अपने घर को वापस से बसा लिया था। इसके बाद आए दिन इन लोगों में विवाद चल रहा था। बीती रात भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब घर में सब सो रहे थे तब बंद कमरे के बाहर क्या हो रहा था कोई नहीं जान रहा। सुबह जब नींद खुली परिवार वालों की, तब दिखा फंदे में लटका हुआ शव। परिजनों ने शव को फंदे से उतार दिया। इसके बाद पुलिस पहुंची, शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताइए क्या हुआ था कल? बरंडा पर सुतले 10-11 बजे रात में बाऊ बरंडा पर सुतले के मार के टांग दल कई बाऊ के राजा के। हम मैं घर में अपन भाभी के लगे सुतती है, कलिए कि सब दिन राजा बरंडा पर सुते रहे, सब दिन राजा हमर बरंडा पर सुते रहे, सुतले के मार के टांग दल कई। कुछ पता नहीं चले कहाँ मार्केट कैसे टांग दल के घर में, कहाँ से मार के नैन के हमारे राजा बरंडे पर सुतल रहे, चौकी पर धाप पर झूठे टांग दल के गमछी में लगा के। आपको कितना बजे पता चला इसके बारे में? इसके बारे में 5 बजे भोर में, इसके बारे में 5-6 बजे भोर में पता चला। हम सोचे रहिए कि हमार राजा नींद में सुतल छे चौकी पर, भोरे उठेबे करते जो है ना रात में जो उठा ना। हम भोर के पता चले देख लिए तो हमें हमार छोटकी गोतनी देखल के तो कहे छे हे घर लगल छे, बाप रे घर लंग ठरा छे, जंगिया गंजी पिन ले देख छे तो राजा हमार झुल्ले रही हो। अच्छा किसी से दुश्मनी था उसका? हां दुश्मनी था राजा। किससे था बताइए? दुश्मनी था बाबू, दुश्मनी था लोग से हो। किससे था? नाम है लोग से। किससे था? लोग बोले विजय महतो की हम तो दुश्मनी रहे एक हमार राजा से, बोले कि तोरा देखाए तो बहुत दुनिया से उठाए लबो, महीनों लगले हो बाबू राजा को उठाए। अच्छा उसके खिलाफ पहले भी आवेदन दिया गया था? हाँ दिया, हाँ दे ले। थाना वाला कार्रवाई किया था उस पे? थाना वाला कुछ कार्रवाई नहीं किया। अरेस्ट किया था उसको पहले? अरे कुछ कार्रवाई नहीं किया। अरेस्ट किया था कि नहीं किया था? नहीं बाबू कभी नहीं किया था। कितने दिन से दुश्मनी चल रहा था? दुश्मनी चल रहा था 1 साल से बाबू। हो 1 साल से? हाँ। अच्छा कल ये क्या कहते हैं जब घर पर आए थे, कल जब आप घर पर आए वो आए थे तो ऐसा कुछ बताए थे कि कोई इससे झगड़ा हुआ या कुछ हुआ ऐसा? हमरा राजा कुछ न बतल के ककरो से झगड़ा होले की होले, हमरा ने हमरा कल के खाली किए लियो खाल दलिए सुतले अच्छा से जुआ खेलने वाला फोन करके। अब कौन के बोलल के फोन करके न बोलल के किस बात की दुश्मनी चल रही थी? बाकी इस बात के दुश्मनी चल रहा है। फाइल को बताओ, फाइल को बताओ। हमरे मामला में दुश्मनी चल रहे हो बाबू। क्या मामला बताइए? मामला यह रहे कि हमरा जाल में फंसा के पीछू प्यार के जाल में फंसा के हमरा जिंदगी बर्बाद कर दिलके, तो हमें ओकरा कहलिए कि हमें अपन जिंदगी अपन बिहुआ के साथ जीबे, अपन जिंदगी जिए जिए चाहे रही बिहुआ के साथ जिंदगी जी लिए, इसलिए के जिंदगी जिए फैसला ले लिए अपना बिहुआ के साथ में बाल बच्चा के लेके, इसलिए के बुरा लगे। आपका उसके साथ संबंध था पहले? क्या पहले कुछ संबंध था? हम संबंध तोड़ दिए। तोड़ दिए जी? हाँ हम संबंध तोड़ दिए, कुछ भी संबंध जिन पहले था हम संबंध तोड़ के अपना पति के साथ जिंदगी जीने का फैसला ले लिए, दुश्मन के रहल नहीं गेले हो। अच्छा इससे पहले भी आप मारपीट किया है कभी? हाँ मारपीट तो पहले भी हुआ, मारपीट पहले ही बोल रहे कि हम उठाए ले भाई एक रात उठाइए ललके उठाए ले लेके। क्या क्या नाम है आपके पति का? हमारा पति के विनोद महतो नाम चल गया। उसका नाम क्या है? नाम बताओ ना। जब हमारा विजय महतो नाम था। पुलिस आई आपके यहाँ? आई। उसको लिखित दे दिया आवेदन? हाँ दे दिया। क्या बोली पुलिस?
अब पुलिस क्या बोली हमको, उसने बाबू कितने बच्चे हैं आपको? हमको तीन दो बच्चे हैं। क्या करते थे वो? वो ट्रैक्टर चलावे थे, राजा बाबा पर राजा ट्रैक्टर चलावे थे। किसका ट्रैक्टर चलाते थे? की नाम से चंपालाल माधव ट्रैक्टर, चंपालाल गुड़िया खाद वाला गोरियो का नहीं है ट्रैक्टर वाला देखे ले अमर नीलो देवी नाम रहा नाम बोला ना जो है ना उसको जो है 15 दिन गायब कर दिया था। एक साल पहले उसको 15 दिन गायब कर दिया। 15 दिन जो गायब किया उसका बाद में जो है जे कि खोजने लगे हैं। 3 ठो बच्चा है, बच्चा छोड़ कर जो जाएगा तो उसको कुछ कहेंगे ना कि उसका खोजने में कितना दिन लग गया। 15 दिन तक गायब करके रखा। यही बात से झगड़ा चल रहा था। झगड़ा की वजह से बोला कि जबकि वहाँ से लाए आन करके इसको पूर्णिया में धर दिया। इसको ला कर पूर्णिया में धर दिया। पूर्णिया से क्या किया उसको तब जाकर ला करके उसको रात में हमारा भाई अथी बहन बेटा लेकर पहुँचाया यहाँ। कितने दिन पहले की बात है? 1 साल का बात है। अच्छा कल क्या हुआ था? कल जो है ना रात में जो परसूर वो जो झगड़ा हुआ ना उसका बाद में क्या किया इसको कि तुमको जो है ना कि तुमको उठा लेंगे, महीना दिन नहीं बीतने देंगे, तुमको उठा लेंगे यहाँ से, चाहे चार चक्का चल रहा है आ चाहे गोली से। इसको उठा लेंगे कि इसके पति को? इसका पति को। अच्छा हाँ। इसका पति को बोला कि चाहे चार चक्का चढ़ा दे चाहे तुमको गोली से मारे। अच्छा अच्छा। कल रात क्या हुआ ये बताओ? परसूर रात में जो है ये चले इसको फोन करके 10 बजे की 8-9 बजे के बीच में इसको फोन करके वहाँ बुलाया। इसको ना इसका पति को, इसके पति को जुआ खेलने। ठीक है जुआ खेला वहाँ झगड़ा हुआ। अब झगड़ा हुआ मेरा माँ गया तो उसको ला कर बुला कर लाया घर में खिला पिला कर सुता दिया 11 बजे करीब। अच्छा एक बात होती है जब उससे झगड़ा चल रहा था हाँ। फिर खेलने के लिए उससे बात संपर्क था, उन दोनों से बातचीत हो रही थी ना, तो फिर जुआ खेलने कैसे बुलाया उसको? सुनिए दूसरा आदमी बुलाया। अच्छा, मेरा पापा भी आ रहा है। बोले इसका बाद में जो है इसका जो इसको फोन करके बुलाया। लास्ट में कन्या मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीना बस की बस वहाँ से निकल कर को आया यहाँ। यहाँ खैनी खाया, खैनी खा के गया वहीं ट्रैक्टर लगा, ट्रैक्टर लगा से गायब कर दिया। आ गायब कर करके मार कलान को टांग दिया उस रात। पता नहीं चला रात में कि कैसे ना, पता किसी के नहीं चला। 11-12 बजे रात में सोवे किया। नशा वगैरह भी करते थे क्या? नहीं नशा नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये जो विजय महतो नाम बता रहे हैं ना जो आरोपी है वो इधर आपके मोहल्ले में भी आता था क्या? हाँ आ रहा था रात में भी आया था। हाँ रात में भी आप लोग देखे हैं उसको? हाँ देखे। कितने बजे के करीब? करीब 11:30 बजे। 11:30 बजे कहाँ मतलब वो तब उनके पति कहाँ थे? अंदर थे कि बाहर थे आपके भाई? बाहर बाहर में ही था। आपका नाम क्या हुआ? आशा देवी। और ऐसे था जो जमीन में चढ़ा हुआ ऐसे हाइट ज्यादा। आप क्या देखे थे? आप क्या देखे थे कल? हम जैसे सो के उठे तो उसको देखे मतलब कि वो लटका हुआ था। कैसे लटका हुआ था? मतलब कि गमछा मतलब कि पूरा ऐसे झूल रहा था कल। वो गर्दन नीचे था और जमीन में पैर सटा हुआ था। अच्छा तो आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए? हाँ पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए। तो खोला कौन इसके शव को? बताइए आवेदन कब दिए थे आप थाना में? 1 महीना से कुछ पहले दिए। क्या हुआ था फिर? धमकी दिया था। कौन दिया था, किसको दिया था? हमारा बेटा का। क्या करने के लिए? घर बर्बाद कर देंगे मार कर। एक मिनट बर्बाद कर देंगे। पाँच बेटा है उसका। माँ बोला जो 5 बेटा है एक बेटा जेल में रहेगा। वो एकदम रब रब कर रहा है उसका माँ। उसके बाद फिर आप जब धमकी दे के गया तो ये आवेदन आप थाना में दिए? हाँ। उसके बाद कोई इंक्वायरी? कोई आया जाँच उच करने के लिए? नहीं। अब क्या हुआ आप लोगों के घर में? हम लोग का घर में वही 10:50 हुआ घटना। क्या घटना हुआ? कहीं से मार कर उसे यहाँ लटकाया गया। जान बताइए आवेदन किसका है? ये आवेदन है मेरा भाई को धमकी दिया गया था 1 महीना के बल पहले। उसका विरोध में हम थाना गए, आवेदन दिए।
वहाँ से कोई सुनवाई नहीं आया। उसके कारण हम लोग सोचे ठीक हो जाएगा, थाना गए कहे तो दोनों पार्टी को मिला के वो समझा बुझा के उसे हम लोग को टाल दिए। उसके बाद इस बात का कोई इंक्वायरी नहीं आया मेरे घर पर। उसके बाद हम रात में सोए हुए थे, उसके बाद अच्छा वो तो हो गया, थाना आप पे कार्रवाई किया कि नहीं आपके कागजात पे? अभी तक नहीं किया था। उसके बाद क्या हुआ? कल कल आया थाना जाके, वो फोन करने पर आवेदन नहीं दिया गया। कल आपके भाई के साथ क्या हुआ जो धमकी दे रहा था? हमारे भाई को हत्या कर दिया गया। पुलिस उसमें कोई संज्ञान नहीं ली इसे एक महीने के अंदर? किस पे शक है आपको हत्या का? बीजो मातो पर। कहाँ का रहने वाला है? हमारे बगल में, इसी मोहल्ले में। इसी मोहल्ले में। कौन सा गांव है ये? तारानगर। ठीक।